Hello everyone, welcome to Foresight Education Academy. This is Deepshikha. आज की इस वीडियो में हम ऐसे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि SSC CHSL के एग्ज़ाम्स के लिए और आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेस. निम्नलिखित में से कौन एक क्षार नहीं है. ऑप्शंस आर NH4OH, C2H5OH, NaOH या फिर KOH. तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी C2H5OH. क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द ओनली मसल इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज़ नॉट अटैच्ड एट द बोथ द एंड्स. मानव शरीर में एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर नहीं जुड़ी है. ऑप्शंस आर ट्राइसेप्स, टंग, बाइसेप या फिर अबडक्टर. तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी टंग. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी. मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है. ऑप्शंस आर नियर द स्प्लीन, प्लीहा के पास, एट द बेस ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क के आधार पर, ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज, गुर्दे के शीर्ष पर या फिर इन द इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में. तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी एट द बेस ऑफ द ब्रेन. क्वेश्चन नंबर 4, गैस लीक्ड ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजेडी वॉज. भोपाल त्रासदी के दौरान गैस रिसाव हुआ था. कौन सी गैस थी. ऑप्शंस आर मिथाइल आइसोसाइनाइट, सोडियम आइसोथियोसोनाइट, पोटेशियम आइसोथियोसोनाइट या फिर इथाइल आइसोथियोसोनाइट. तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइट. क्वेश्चन नंबर 5, मशरूम इज ए और एन. मशरूम एक है. ऑप्शंस आर स्लिम मोल्ड, कीचड़ मोल्ड, फंगस, कवक, एनिमल, पशु, प्लांट, संयंत्र. तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी फंगस यानी कि कवक. क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर वाइब्रेट्स अकॉर्डिंग टू द साउंड रिसीव्ड. मानव कान के किस भाग को प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है. ऑप्शंस आर हैमर, हथौड़ा, पिन्ना, ऑडिटरी नर्व, श्रवण तंत्रिका या फिर टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी कि टाइम्पेनिक झिल्ली. तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी कि टाइम्पेनिक झिल्ली. क्वेश्चन नंबर 7, अर्थराइटिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स द गठिया. एक बीमारी है जो प्रभावित करती है. ऑप्शंस आर जॉइंट्स, जोड़ों को, किडनीज, गुर्दों को, ब्रेन, मस्तिष्क को, लंग्स, फेफड़ों को. तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉइंट्स यानी कि जोड़ों को. क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर डिटर्जेंट्स कॉल. डिटर्जेंट्स किसे कहते हैं. ऑप्शंस है आपके सोपलेस सोप यानी साबुन रहित साबुन को, कार्बोलिक सोप्स, सॉफ्ट सोप्स या फिर हार्ड सोप्स को. तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सोपलेस सोप्स यानी कि साबुन रहित साबुन को. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज इज अ फॉसिल फ्यूल. इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है. ऑप्शंस आर कोल यानी कि कोयला, बायोगैस, एल्कोहल या फिर वुड. तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कोल यानी कि कोयला. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स फॉर क्विनाइन. निम्नलिखित में से कौन क्विनाइन के लिए एक स्रोत है. ऑप्शंस आर सिंकोना, नीम, बैम्बू या फिर टीक. तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंकोना. क्वेश्चन नंबर 11, द आइसोटोप ड्यूट्रियम ऑफ हाइड्रोजन हैज़. हाइड्रोजन के आइसोटॉप ड्यूट्रियम में हैं. ऑप्शंस आर नो न्यूट्रॉन्स एंड वन प्रोटॉन. कोई न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन नहीं. वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन. एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन. वन इलेक्ट्रॉन एंड टू न्यूट्रॉन्स. एक इलेक्ट्रॉन और दो न्यूट्रॉन. वन न्यूट्रॉन एंड टू प्रोटॉन्स. एक न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन. तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन बी वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन. क्वेश्चन नंबर 12, नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी इज. विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत है. ऑप्शंस आर एप्पल, सेब, स्पिनच, पालक,
गुआवा, अमरूद या फिर ऑल ऑफ दी ऑप्शन, सभी विकल्पों में से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑल ऑफ दी ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिच इन विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए से भरपूर है? ऑप्शंस आर टोमेटो, टमाटर, कैरेट, गाजर, एप्पल, सेब या फिर ऑरेंजेस, संतरे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैरेट यानी कि गाजर। क्वेश्चन नंबर 14, विच मिनरल इज इजेंशियल फॉर बोन्स। हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन आर जिंक, आयरन, सल्फेट या फिर कैल्शियम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन डाइट्री फाइबर। निम्नलिखित में से कौन आहार फाइबर में समृद्ध है? ऑप्शन आर आइसक्रीम, वाइट ब्रेड, एप्पल्स या फिर नूडल्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एप्पल्स। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉमन ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ शुगर इन प्लांट्स इज। पौधों में चीनी का सामान्य परिवहन रूप है? ऑप्शन आर ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज या फिर फ्रुक्टोज। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज डज नॉट हैव एन ऑप्टिकल लेंस। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल लेंस नहीं है? ऑप्शन आर पेरिस्कोप, टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन, माइक्रोस्कोप या फिर स्टेथोस्कोप। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 18, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाइएस्ट इन। जल धारण क्षमता सबसे अधिक है? ऑप्शन आर लोमी सोयल, दोमट मिट्टी में, क्ले सोयल, चिकनी मिट्टी में, सिल्टी सोयल, सिल्ट मिट्टी में या फिर सैंडी सोयल, रेतीली मिट्टी में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्ले सोयल, चिकनी मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 19, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट हैपन्स ड्यू टू। रात में तारों का टिमटिमाना क्या होता है और कैसे होता है? ऑप्शन आर एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट प्रकाश का फैलाव, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन या फिर स्केटरिंग ऑफ लाइट प्रकाश का बिखराव। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड किलर डिसीज। डैश एक यौन संचारित हत्यारा बीमारी है। ऑप्शन आर मलेरिया, जॉइंडिस, एड्स या फिर टाइफॉइड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एड्स। क्वेश्चन नंबर 21, विच गैस इज टिपिकली प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स। जब धातु एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस आमतौर पर उत्पन्न होती है? ऑप्शन आर हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिग्यूमिनस प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिग्यूमिनस पौधा है? ऑप्शन आर टोमेटो, टमाटर, कैबेज, गोभी, पोटैटो, आलू या फिर पी, मटर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पी यानी कि मटर। क्वेश्चन नंबर 23, बेसिली आर बैक्टीरिया विच आर। बेसिली बैक्टीरिया हैं जो हैं। ऑप्शन आर रॉड शेप, रॉड के आकार का, कोमा शेप, कोमा के आकार का, स्फेरिकल, गोलाकार या फिर स्पाइरल, सर्पिल। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉड शेप्ड यानी कि रॉड के आकार का। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल SI। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व SI प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है? ऑप्शन आर सल्फर, सिल्वर, सिलिकॉन या फिर सोडियम। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ दीज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूजुअली हैज़ अ मेटल नीडल अटैच्ड टू इट। इनमें से किस चिकित्सा उपकरण में आमतौर पर एक धातु की सुई लगी होती है? ऑप्शन आर थर्मामीटर, सिरिंज, स्टेथोस्कोप
या फिर स्पैचुला। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सिरिंज। तो यहाँ पर हमारे आज की इस वीडियो के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।